तो दोस्तों, बैक टू बैक 13 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार अब लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म जिसका टाइटल है खेल खेल में। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली अक्षय कुमार ने इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट कर दिया है, जिसमें इस मूवी की स्टारकास्ट देखने को मिली है और साथ ही में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये मूवी अगले महीने अगस्त में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पर आप इस मूवी को सिनेमाघरों में देखने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है ये मूवी अक्षय कुमार की पिछली 13 फिल्मों की तरह फ्लॉप ना हो, क्योंकि इस मूवी में हमें एक मल्टी स्टारकास्ट देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार के तापसी पन्नू, वानी कपूर, फरदीन खान, एमी विर्क, आदित्य सील और प्रज्ञा जायसवाल भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए नजर आएंगी। दोस्तों, फरदीन खान सिनेमा घरों में सालों के बाद अपना कमबैक कर रहे हैं, आदित्य सील को इंपॉर्टेंट रोल के लिए देखा जाएगा, एमी विर्क को हाल ही में गुड न्यूज में देखा गया है और अब वो एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, मूवी एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जिसे बॉलीवुड डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले अक्षय कुमार बॉलीवुड काफी सारी फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं, बट अब कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, तापसी पन्नू की लास्ट मूवी डंकी एक सुपरहिट फिल्म थी। डंकी के बाद सिनेमा घरों में तापसी पन्नू एक बार फिर से आपके लिए मजेदार फिल्म लेकर आने वाली हैं। वेल, अब बात कर ली जाए मूवी के ट्रेलर की, तो दोस्तों आपको बताता चलूं, ट्रेलर से जुड़ी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, बट जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक मेकर्स इस मूवी का ट्रेलर आउट कर देंगे और जल्द ही ट्रेलर की रिलीजिंग से जुड़ी भी एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फिलहाल आप तैयार रहिए, 15 अगस्त को ये मूवी सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। वेल, कैसा लगा आपको ये फर्स्ट लुक पोस्टर और कितना एक्साइटेड है आप फरदीन खान के कमबैक के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे।